नमस्कार, मैं अमृता राज और आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। अफवाह से दूर रहे, पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता मुख्य जानकारी, जरूर सुने कटिहार। बाड़ी थाना क्षेत्र के दीरा में गोलीबारी की घटना हुई थी, उसमें कुछ अफवाह, कुछ अलग अलग तरह की बातें जो है सामने आ रही है, उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये जो घटना हुई थी, ये घटना में जो आपराधिक गिरोह थे उन दोनों के बीच ये आपस की लड़ाई थी। दूसरी बात इसमें ये है कि जिन लोगों के द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया गया, उसमें कोई एक जाति विशेष का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें मिक्स्ड है। उसमें जो मेनली जो इसमें गिरोह है, उसमें मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो मारने वाले लोग हैं, मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन लोगों के विरुद्ध बहुत सारे आपराधिक इतिहास है। कई केसेस में ये लोग चार्जशीटेड हैं, हत्या, आर्म्स एक्ट, फिरौती अपहरण, इन सारे केसेस में हैं। और इस घटना में जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं। जैसे उसमें अरविंद यादव की हत्या हुई थी, उसमें उनके खिलाफ जो है 3 हत्या, 4 आर्म्स एक्ट, फिरौती हत्या अपहरण 1, इस तरह के केसेस हैं। और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी हत्या के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये बेसिकली एक प्योर अपराधी लोग का आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी, इसमें किसी तरह का कोई और कोई एंगल इसमें नहीं है। इसमें जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले जो 2 तारीख की घटना हुई, इसमें एक बॉडी बरामद हुई थी। दिया का क्षेत्र काफ़ी बृहत है, आप सभी लोगों को पता है। उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी उसमें तेज़ी से सर्च अभियान चलाया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, तो 2 दिन के बाद जो है हमें 3 डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। इसमें अब तक कुल 4 लोग की डेड बॉडी मिली है और 1 जो है वो मिसिंग है, तो टोटल 5 इसमें लोगों का लोगों के साथ घटना हुई है। शौर्य तो आसमान की सीढ़ियां चढ़ती उतरती रहती हैं। बस आपके पांव जमीन पे रहने चाहिए। किसी की मेहनत को समझते हो तो आपके पांव जमीन पर है। किसी की खुशी के लिए जीत के हारते हो तो आपके पांव जमीन पर हैं। जब आप सबको अपनी खुशियों में शामिल करते हैं तो आपके पांव जमीन पर हैं। स्माइल, ड्यूरेबल, कंफर्टेबल एयरसन फुटवेयर, पांव जमीन पर हैं।